लल्ला की चाय चाय आ पी चुकी चुकी है। अब लल्ला सबको रिफ्रेशमेंट देंगे। पर्ची लल्ला ने काटी, चाय का योगदान दिया जो अभी पानी हुआ, अभी 500 खाना है, अभी नहीं हुए। लल्ला की चाय और तैयारियां स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर झूला लग रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग, और ये चल रही तैयारी को जिस तरह से देखो, सब लगे हैं भैया काम करने में। दाजू फुल काम करते हुए यहाँ पर सीढ़ी पकड़ के। मैं तुझे ले ही सी हाँ, मूवी हो रही। हाँ करण भैया चढ़े हैं, बहुत बढ़िया करण। यार पूरा नीचे तक लगा रखा है इन्होंने, यहाँ तक लग रहा है मुझे तो। लल्ला भी रेडी है, छल्ले। जो भी है ना Oh,
धन्यवाद भुवन भाई, आपका गणेश महोत्सव में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह हर वर्ष की भांति और दूसरा वर्ष इस गणेश महोत्सव का चल रहा है। यहाँ पे आज इसका विसर्जन है। कल यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे थे, हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए थे जिन्होंने सामूहिक यहाँ पे प्रसाद ग्रहण किया। यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे गणेश महोत्सव के, हमारे छोटे भाई बड़े भाई लोग, उन सबका मैं हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि एक मुहिम उन्होंने यहाँ पे छेड़ी इस चिन्हौला नगर पालिका में। मैं आप सभी को फिर से पुनः एक बार हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सब ने मिलजुल कर इसमें सहयोग किया है। हमें काफ़ी मातृशक्ति यहाँ पे, अभी भी आप देख रहे हैं कि भजन कीर्तन की गूंज चल रही है इस क्षेत्र में। इसी क्रम को मैं आगे को अपनी वाणी को शांत करते देते हुए आप सभी को फिर से गणेश महोत्सव की हार्दिक बधाई और धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। ये खाना बनाने वाला स्टाफ। नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 19 तारीख से यहाँ चिन्हौला में गणेश महोत्सव का आयोजन किया गया था। 19 को यहाँ मूर्ति की स्थापना की गई, 20 को विशाल भंडारे के साथ सैकड़ों लोगों ने यहाँ भोजन प्राप्त किया, भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया और उसी रात यहाँ पर एक जागरण किया गया जिसमें हमारे सद्भावना प्रेस की टीम आई, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी प्रस्तुति की जिससे पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। और फिर कल 21 तारीख को हमारे द्वारा मूर्ति का विसर्जन सरकार की गाइडलाइन के अनुसार किया गया। अध्यक्ष प्रतीक नेगी जी, बबलू पांडे जी उपाध्यक्ष, प्रवीण आर्या जी महासचिव, भगत सिंह बिज जी कोषाध्यक्ष, कमला बिज जी जो महिला उपाध्यक्ष हैं, बीना नेगी जी महिला उपाध्यक्ष हैं, सतीश नेगी जी हमारे साथ हैं और जो सहयोगी हमारे जो फ्रंट में ना होके बैक में, चाहे हमारा भोजन बनाने का कार्य कर रहे हों, टेंट लगाने का काम कर रहे हों या जितने भी कार्यकर्ता थे जिन्होंने इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में हमारा साथ दिया, हम उन सबका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इतना प्यार और आशीर्वाद दिया और हमें प्रोत्साहित किया कि हम हर वर्ष इसी तरह चिन्हौला में एक भव्य कार्यक्रम करें और आने वाले समय हमें ऐसी आप लोग का आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा तो चिन्हौला में ऐसे आगे भी कार्यक्रम होते रहेंगे। अब मैं हमारे कोषाध्यक्ष भगत सिंह बिज जी से कहूँगा कि जनता का धन्यवाद करें। हम चाह रहे हैं, हमने ये शुरुआत करी 2022 में, हम चाह रहे थे कि लोगों को इकट्ठा करके एकत्रित करें, हम इसलिए ये महोत्सव हमने उठाया गया है। चिन्हौला के लोग जागरूक हों, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे साथ बहुत बढ़िया करके सहयोग कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ऐसा ही सहयोग हमें लोगों की ज़रूरत है, बहुत बढ़िया करके किया गया है, धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चिन्हौला की समस्त जनता का, उसके बाद अध्यक्ष हमारे प्रतीक नेगी जी का, बबलू पांडे जी, प्रवीण आर्य, भगत सिंह बिष्ट, कमला बिष्ट, बीना नेगी, अरुण रावत और उमा रावत, कविंदर सिंह कुमार भी, राजेंद्र सिंह बिष्ट जी जो कि पत्रकार भी हैं, महेंद्र सिंह बिष्ट, अमित माहेश्वरी जी जिनका कि बहुत ज़्यादा योगदान अमित माहेश्वरी जी का रहा यहाँ पे, और हमारे जो कहते हैं मुकेश भाई हैं रानीखेत से आए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, मैं सभी जनतावासियों को जिनने हमारा गणेश महोत्सव में सहयोग करा
और चिन्यावला की जनता को जो इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम में सभी लोग आए हमारे वहाँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो हमारे भगतदा हैं अरुंदा सेंटीदा पांडे जी, जितने हमारे कमेटी के मेम्बर हैं दीपक अनी मेहरा जी, ये सबका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रानीखेत से जो टीम हमारी सफाई की है उनका धन्यवाद, नगर पालिका के ईओ साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। साथियों अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे साथी यहाँ सहयोग कर रहे थे, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ रहो अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, लेकिन उनके तरफ से अपने सहयोग हमेशा मिलता रहा है जिससे हम ये कार्यक्रम करते रहे। ललित बोरा जी जिस मंच में हम बैठे हैं, इनके द्वारा इस मंच का स्टार्टिंग से जब से यह मंच बना है तेज सिंह कैप्टन श्री तेज स्वर्गीय श्री तेज सिंह बोरा जी के समय से, इस मंच का जीर्णोद्धार का कार्य वही करते रहे हैं, जिसके उस बलबूते हमें यह शिव मंदिर प्रांगण में एक मंच मिला है जिससे हम हमेशा ये कार्यक्रम करते रहे हैं। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे नगर पालिका का भी, जिनके तरह से पर्यावरण मित्र हमें मिले जिससे साफ सफाई देके कार्यक्रम हमेशा होते रहे। हम अध्यक्ष जी कल्पना देवी जी का भी धन्यवाद करेंगे, नगर पालिका की टीम का धन्यवाद करेंगे, और जितने भी यहाँ स्कूल के बच्चे हैं जो आए प्रोग्राम किए उन सबका सहयोग, प्रवीण सक्सेना जी जो ईओ हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद, और सभी सभासदों का धन्यवाद जिन्होंने हमेशा अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखा। धन्यवाद।